हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं माइंस में। मेरे को थोड़ा काम सा था क्योंकि इस टाइम जो जर्मन में है हर काम अपॉइंटमेंट पे होता है, तो हम गए हुए थे। तो अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था ना, बच्चों के लिए शॉपिंग करके आई थी, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आई थी। तो सबसे पहले मैंने एक पैंट ली थी जीन्स की छोटी वाली लड़की के लिए, तो उसके जो प्राइस था मेरे ख्याल से 8 पता नहीं 9 यूरो का। बड़ी वाली लड़की के लिए तो ये था, दो सेट थे ये, और ये है मुझे अच्छे प्राइस में मिल गए क्योंकि दो सेट 13 यूरो में अच्छी वो मिल जाती है। उसके बाद एक मैंने ये पैंट ली है बड़ी वाली लड़की के लिए, और ये मैंने जो लेडीज़ का सेक्शन होता है टीनेजर का उसमें से लिए हैं 38 साइज में, और 10 यूरो में, हाँ 10 यूरो में थी। तो अच्छी चल जाती है, कपड़े भी अच्छे होते हैं इसके। और उसके बाद एक मैंने लड़की की ये वाली छोटी वाली लड़की की एक मैंने ये टॉप ली थी, ये भी मेरे ख्याल से पता नहीं 4 या पता नहीं 3 यूरो की, 4 यूरो की थी। और ये वाली जो 5.90 की थी मिनी माउस की, मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा लगा था। और ये बड़ी वाली लड़की की एक शर्ट है 4 यूरो की, और ये मैंने बच्चों वाले सेक्शन में ली थी। तो माइंस से आने के बाद आपको कपड़े वगैरह दिखाने के बाद अब हम आगे हैं सीधा एलडी में, क्योंकि आज पतिदेव थोड़ा से फ्री थे तो हमने का फ़ायदा चखा जाए। तो मैं सबसे पहले पानी जो ख़त्म हो रहा था और बोतलें काफ़ी इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर कर दी है सारी बोतलें वापस और पर्ची निकाल ली है। उसके बाद हम खरीद देंगे फ्रूट वगैरह। तो हमने फ्रूट ना यहाँ पर एक एलडी में ना इस तरह से, ये जैसे बीओके या फिर बाहर जैसे में शहरों में वो बिकते हैं, तो यहाँ पर ये आ रहे थे। तो हमने देखा चलो ट्राई करते हैं, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है इनका नॉर्मल प्राइस से, पर ट्राई कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ना जो बच्चों के स्कूल की बुक वगैरह भी आती है एलडी में आ रही थी, अगर आपको जैसे इस टाइम हमें मेरे बच्चों की तो लिस्ट नहीं आई क्योंकि वो लिस्ट बना के भेजते हैं स्कूल से, तो ये ले सकते हैं, इस करके हमने कुछ लिया नहीं। बस जो मेन अगर लिस्ट होती तो पता होता, अगर आपको पता है तो आप एलडी में से भी इस तरह की चीज़ें स्कूल की चीज़ें है वो ले सकते हो। तो हम कर लेते हैं शॉपिंग, आप को हम दिखाते हैं। और जो मैं क्या बोलते हैं उसको, चावल थे ना जो एलडी में से, जैसे हम इंडियन को बहुत दूर जाना चावल वगैरह लेने के लिए इंडियन दुकान से या इनसे, तो आप एलडी में से ना जो पर्पल रंग के हैं, मैं आपको अगले उसमें दिखाती हूँ, पर्पल रंग के इस तरह के पैकेट में है, तो ये बासमती चावल है, बहुत अच्छे हैं, बल्कि मैं इंडियन दुकान से कम लेके आती हूँ और इन्हीं को यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनका प्राइस भी आधा किलो का 2 यूरो के करीब है, तो आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं। आइसक्रीम वगैरह ले लिया है, तो हम कर लेते हैं शॉपिंग, मैं मिलूँगी आपको थोड़ी देर में। गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपने को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में बताना अगर आपको कोई भी वीडियो के
कोडिंग अगर मुझे कोई अच्छा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या फिर कुछ आपने आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे सजेशन कर सकते हो, क्योंकि मैं भी अभी इतना परफेक्ट नहीं हूँ व्लॉग बनाने में, पर आई ट्राई माय बेस्ट, जैसा मुझे आता है मैं ट्राई करती हूँ। और आज रेसिपी वगैरह कोई मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हमने आज बाहर से ही खाना, बाहर से मतलब कि जब आए थे आते हुए हम वहीं से लेके आए थे तो वो खाया था, तो इसकी वजह से मैं रेसिपी नहीं शेयर कर पाई कोई भी। तो मैं मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग में, एक नवे दिन के साथ, एक नवी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी पे भी एक होता है वहाँ पर कर सकते हो, तो उससे भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल बेल आइकन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।